फ्रिज, एसी सब कुछ लगवा दिया मैंने हमें। अभी को मैं याद भी नहीं, लेकिन फिर भी कितना ख्याल रख रहे हैं। सच में अबीर, आपके जैसा कोई नहीं। तबीयत ठीक है तुम्हारी? उसे खींचो। जी आंटी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी और जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम यहाँ से चली जाओ इसलिए कहा था तुम्हें मेरी सख्ती, मेरी मजबूरी नहीं। जिस लड़की ने मेरे लिए इतना कुछ किया, जिस लड़की की वजह से मुझे मेरा बेटा वापस मिला, उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहना मेरे लिए आसान नहीं। और एक माँ की तरह मैं तुम्हारी एहसान मंद हूँ और हमेशा रहूंगी। नीचा मैं इस घर की बहू भी हूँ और इस परिवार के मान सम्मान के लिए कई बार मुझे सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। और मैं सच में तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि दिन तुम्हारा भी परिवार हो, तुम भी किसी घर की बहू बनो। काफी समय से तुम यहाँ इस कमरे में बैठी हो, जाओ थोड़ा बाहर घूम कर आओ, अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, अभी ऑफिस गया है और वैसे भी अब वो तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि उसके माँ पापा ने जो उसे कहा है वही उसके गुजरे 2 सालों का सच है। मॉम में थोड़ा टहलाओ, उसने जाए तो अच्छा लगेगा। मैंने नीरजा को यहाँ से चले जाने के लिए कहा है क्योंकि अबीर की याददाश्त वापस आ गई है, तो उसके सवाल उठ रहे कि ये लड़की कौन है। मैंने उसे कहा तो है जाने के लिए, लेकिन मौशमी एक बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है, उसने मजबूरी में नीरजा से कहा है कि वो यहाँ से चली जाए अपने बेटे के खातिर, पर उसे इस चीज़ का बहुत बुरा भी लग रहा है और नीरजा को देख के उसे दुख भी हो रहा है, उसकी हालत पर उसे तरस भी आ रहा है। पर थोड़ी बहुत पुराने विचारों की है तो उसके सोनागाछी के सच को जानकर उसे थोड़ा धक्का भी लगा, पर वो इस डिलेमा में है कि क्या करे। वो तो इसी वजह से बस वो नीरजा के पास जाके उसका हालचाल पूछना चाहती है कि जिसने मेरे बेटे के लिए इतना कुछ किया, मुझे कम से कम उसके बारे में पता होना चाहिए, वो ठीक है कि नहीं, तबीयत उसकी ठीक है कि नहीं, बस यही पूछने वो गई थी नीरजा के पास।